नया दिन नई शुरुआत के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल ड्रीम आशियाना पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 264 यार्ड में एक बहुत ही सुंदर सा महल जो चंडीगढ़ के नजदीक रहने वाला है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये जाएगा करोड़ में। अगर आपको ये घर जरूर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आइए हम आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग से अपना घर। तो गाइस ये रहा इस घर का खूबसूरत सा एलिवेशन। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लास का वर्क मिलेगा, आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क मिलेगा, यहाँ पे हमारा वुडन का वर्क भी आपको मिलेगा, आपको प्रोफाइल लाइट, शेडो लाइट और आयरन का गेट भी मिलने वाला है। ये स्लाइडिंग गेट आपका रहेगा। और इसकी मेन एंट्रेंस की बात करें तो आपको सिक्योरिटी पर्पज से एक कैमरा भी मिल रहा है। चलिए आइए अंदर। दिस इज योर पार्किंग स्पेस। यहाँ पे आपकी बड़ी गाड़ी दो तो खड़ी हो ही सकती हैं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को अगर धोना चाहेंगे उसके लिए यहाँ पे आपको सेपरेट टैप भी दे रखी है। चलिए दो स्टेप लेते ही हम आ जाते हैं अपने घर के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सा वुडन वर्क किया और ये आपको डोर मिलेगा जो 9 फीट का है। आइए अंदर। एंटर करते ही आप राइट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा आपका लिविंग स्पेस जिसको बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया है। अगर इसकी वॉल की बात करें तो यहाँ पे वॉलपेपर आपको दिया गया है। वॉलपेपर ये बहुत ही लगता नहीं है, ये वॉलपेपर है, बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है। यहाँ पे आपको पार्टीशन भी दे रखी है, वुडन पार्टीशन है। ऊपर तो देखिए शैंडलर, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल शैंडलर मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक ह्यूज विंडो मिल रही है जो आपको वेंटिलेशन प्लस लाइट जरूर देगी, लाइट की कोई कमी नहीं। आइए सीधा लिविंग स्पेस से निकलती है आपको सामने मिल जाएगा किचन। दिस इज योर मॉडुलर किचन। देखिए बहुत ही सुंदर स्पेस है और यहाँ पे आपको अलग से एक स्पेस मिल रही है जहाँ पे आप अपनी कटिंग चॉपिंग ईजिली कर सकते हैं। आपको ब्रांडेड टैप्स भी मिल रही हैं और यहाँ पे आपको पोस्ट भी मिल रहा है। आइए किचन में सबसे जरूरी होता है स्पेस और यहाँ पे आपको अलग से स्पेस भी मिल रही है जिसमें आपके एक्स्ट्रा कुछ भी यूटेंसिल्स हैं आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे आपको अपर साइड लोअर साइड कैबिनेट मिल रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर कैबिनेट है और दिस इज योर पैंट्री। देखिए यहाँ पे कैसे खुलते हैं, इसमें लाइट का वर्क मिलेगा। यहाँ पे आपके स्पेस काफी है, आप इजीली कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए ये आपका इधर देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक वो स्पेस आपको बिल्कुल एक सेपरेट मिल जाता है। यहाँ पे भी दो शैंडलियर का काम किया गया है, बहुत सुंदर लाइटनिंग आपको इफेक्ट दे रहा है। सो दिस इज योर डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में क्या होता है कि अब हमने हाथ धोने होते तो स्पेशली वॉशरूम तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको एक वैनिटी का काम दिया गया है। और स्टेयर्स के नीचे काफ़ी स्पेस जो बच जाती है उसमें भी आपको काफ़ी स्पेस मिल रही है स्टोर करने के लिए। आपको बहुत बहुत मिल रहे कैबिनेट मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ह्यूज टीवी पैनल मिल रहा है, यहाँ पे आप इजली खाना खाते हो, अपना इंजॉय भी कर सकते। सो दिस इज योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम। इसको मास्टर बेडरूम कहेंगे तो गलत नहीं है, दिस इज योर मास्टर बेडरूम विद ह्यूज स्पेस। यहाँ पे भी वॉलपेपर, फॉल सीलिंग का काम हुआ है, लाइट लाइटनिंग इफेक्ट भी बहुत। और यहाँ पे आपका आ जाता है वॉकिंग वार्डरोब्स। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वार्डरोब्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है, इतना बड़ा मिरर और आप खरीद लें ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। सो दिस इज योर अटैच वॉशरूम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप टाइल्स देखें तो पूरी वॉल पे टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए कुछ क्लोथ्स हैंग करने हैं तो आप इजी यहाँ पे कर सकते हैं। और दिस इज योर वैनिटी स्पेस। चलिए यहाँ पे आपका टीवी पैनल है और यहाँ पे आपको आपका वॉशिंग एरिया भी मिल जाएगा। दिस इज योर वॉशिंग एरिया, काफ़ी स्पेस है इसमें, इजली आपको वेंटिलेशन मिलती रहेगी, धूप भी आती रहेगी और हवा तो आती ही रहेगी। चलिए अब इसके हम सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। दिस इज योर एंट्रेंस ऑफ योर सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे आपको मिल जाता है टीवी पैनल, दिस इज योर वॉल। यहाँ पे आपको मिल जाती है ह्यूज वॉल, यहाँ पे छोटे छोटे लैंप्स लगे हुए हैं। आपको एसी, हमारा स्प्लिट एसी की प्रोविजन भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वार्डरोब्स मिल रहे हैं, इसमें भी स्पेस बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है डिफरेंट स्टाइल का, यहाँ पे आपको मिरर वर्क देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे नीचे भी स्पेस काफ़ी है, टीवी पैनल तो देख ही लिया। तो इस तरफ से भी आपको वॉशिंग एरिया
फिर एंट्रेंस आ जाएगी जो आपको मैंने पहले दिखाया, दिस इज योर अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको ग्लास पार्टीशन भी हम दे रहे हैं, वेट एरिया और ड्राई एरिया बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसमें आपको कपड़े लाने के लिए यहाँ पे भी आपको दिया गया है। हम चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं। इस साइड देखेंगे तो कितना अच्छा काम दिया गया है, और सबसे पहले तो इस खूबसूरत से चैंडलर को जरूर देखिए। यहाँ पे भी आपको प्रोफाइल लाइट दी गई हैं। कितना खूबसूरत काम यहाँ पे किया गया वुडन के साथ, कितना ही अच्छा लग रहा है। एक स्टेप लेते ही हमारा आ जाता है लिविंग स्पेस, और ये हमारा चैंडलर तो कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा लुक दे रहा है इस घर को। ये हमारा आता है लिविंग स्पेस, जहाँ पे ये सबसे आपको पहले मिल जाएगा टीवी पैनल, और इस साइड आपका रहेगा पूजा स्पेस। चलिए हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। दिस इज योर थर्ड मास्टर बेडरूम। स्पेस यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल रही है विद LED लाइट और प्रोफाइल लाइट। यहाँ पे आपको टीवी पैनल भी मिल रहा है। इस साइड आपको मिल जाएगा वॉकिंग वार्डरोब्स, देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स आ जाएंगे। इस साइड आपको बहुत बड़ा मिरर मिल जाएगा, लाइट भी मिल रही है। यहाँ पे भी आपका सामान रखने के लिए काफी स्पेस है विद अटैच वॉशरूम। इस साइड भी आपको सेम ड्राई एरिया वेट एरिया बिल्कुल डिफरेंट दिया गया, और स्पेस देखिए कितना स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए इजीली लाइट भी प्रोवाइड हो जाएगी और वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट बालकनी। इधर आते ही आप सबसे पहले तो इस साइड देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा मिरर लुक दिया गया है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए वुडन का कितना अच्छा काम किया गया। और ये आपकी आ जाती है फ्रंट बालकनी, काफ़ी हो सकते आप आराम से चिल कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम, यहाँ पे भी काफी स्पेस है। इसका मुझे सबसे अच्छा इसका मुझे ये वॉकिंग वार्डरोब लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन का मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वार्डरोब मिल रहे हैं, सेम यहीं पे आपको स्पेस मिल रही है, लाइट का भी काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा मिरर है। ये आपका आ जाएगा टीवी पैनल, फॉल सीलिंग कितनी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, और यहाँ पे आपको पीछे भी बालकनी मिल रही है। बालकनी से पहले मैं आपको ले चलती हूँ इसके अटैच वॉशरूम में। हर रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम है, इसमें भी टाइल वर्क प्रॉपर टाइल वर्क हो रखा है। यहाँ पे आपको ड्रायर वेट एरिया अलग है, और मिरर जो है हमारा आपको मिल जाएगा इसका ग्लास पार्टीशन। अच्छा, इधर आपको एक सेपरेट किचन भी मिल रही है अगर आप यूज करना चाहें तो। यहाँ पे आपको सेपरेट किचन मिल रही है विद ब्रांडेड फिटिंग्स। और यहाँ से हम सीधा बाहर की तरफ हो जाएं तो ये हमारी बाहर का स्पेस आ जाता है, बाहर की बालकनी जो हमारी बैकयार्ड की बालकनी हो जाएगी। और इसका अगर इसका हमें फोर्थ बेडरूम के साथ भी एक्सेस मिलता है। और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर हमारे फिफ्थ रूम की तरफ, जो रहेगा सर्वेंट रूम। अगर आप किसी को भी रखते हैं अपने घर पे काम करने के लिए तो यहाँ पे इजीली वो रह सकते हैं। अब टेरेस पे आप देखिए कितनी स्पेस है, इतनी स्पेस और आप खरीदे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आपका रहेगा टेरेस की स्पेस। यहाँ पे भी आपको अलग से छत मिल जाती है, आराम से आप इजीली यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पार्टी करेंगे तो काफी मजा आने वाला है। तो इस साइड आपका सर्वेंट रूम रहेगा, दिस इज योर सर्वेंट रूम। यहाँ पे इतना सर्वेंट रूम है, आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, सेपरेट वॉशरूम। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये घर पसंद तो जरूर आया होगा। तो अगर आप इस घर को खरीदना चाहते हैं सबसे पहले हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और एक और ज़रूरी काम करके जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको घर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।